नियम तोड़ने वाले रहे सावधान, अब इस ऐप पर महज फोटो या वीडियो अपलोड करने से होगा चालान। जी हां, उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं। पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो प्रदेश में उधम सिंह नगर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं में सबसे आगे है। तो राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का जो विषय है, पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो प्रदेश में उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। हादसों को कम करने के लिए पुलिस CPU ट्रैफिक पुलिस लगातार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करती है, लेकिन इसके बावजूद भी हादसे कम नहीं होते। तो अब अगर आपको सड़क पर यातायात नियम तोड़ते हुए कोई दिखता है तो आप अब आइज ऐप का इस्तेमाल कर संबंधित व्यक्ति का चालान करा सकते हैं। आपको सिर्फ संबंधित व्यक्ति की यातायात नियम तोड़ते हुए फोटो या वीडियो इस ऐप पर अपलोड करनी होगी, जिसके बाद पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होने से ये प्रभावी नहीं हो पा रहा था। अब सरकार ने उत्तराखंड ट्रैफिक आयुक्त चालान की अधिसूचना जारी कर दी है। लोग नियम तोड़ने वालों की शिकायत करने की बजाय अब सीधे ऐप पर संबंधित व्यक्ति की यातायात नियम तोड़ने वाली फोटो या वीडियो अपलोड कर उसका चालान करा सकता है। आप इस तरह से कर सकते हैं चालान। बता दें, मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर उत्तराखंड ट्रैफिक आईज चालान ऐप को डाउनलोड करें, जिसके बाद बाइक पर 3 सवारी बिना हेलमेट या अन्य नियम तोड़ने वालों की फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड कर दें। बगैर सीट बेल्ट के कार चलाने वालों की फोटो भी आप खींचकर अपलोड कर सकते हैं। ऐप में फोटो अपलोड होते ही संबंधित जिला पुलिस के पास मैसेज पहुंच जाएगा। ऐप में नियम तोड़ने वालों का छोटा सा वीडियो भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जिसकी फोटो या वीडियो भेज रहे हैं उस वाहन की नंबर प्लेट दिखनी चाहिए। उत्तराखंड ट्रैफिक आयुक्त की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। लोग नियम तोड़ने वाले बाइक और कार सवार की फोटो वीडियो ऐप के जरिए पुलिस को शेयर कर सकते हैं। ऐप में बाइक या कार का नंबर आते ही उसका चालान कर दिया जाएगा। चालान नहीं छुड़ाने पर संबंधित व्यक्ति को कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने